सोलन जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर और विधायक धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज हल्ला बोल था, जिसमें कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया था। सभी व्यावसायिक संस्थान बंद किए जाने थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस के पदाधिकारी और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जतिन साहनी, युवा कांग्रेस शहरी अध्यक्ष पुनीत नारंग सभी अपनी दुकानें खुली रखे हुए थे और लोगों को अपनी दुकानें बंद करने का आह्वान कर देश में बढ़ती महंगाई और भाजपा के खिलाफ रोष प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकरण को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कार्यकर्ता महज औपचारिकताएं निभा रहे थे। चाहे कांग्रेस का अभियान सफल हो या ना हो, इससे पदाधिकारियों को कोई सरोकार नहीं था। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार हिमाचल में पिछड़ती जा रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी है। महंगाई अपनी चरम पर पहुंच चुकी है, आम जनता बेहद आहत है और महंगाई के बोझ के नीचे पूरी तरह से दब चुकी है। पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गृहणियां और ट्रांसपोर्टर भी त्राही त्राही कर रहे हैं, घर का बजट पूरी तरह से हिल चुका है। इसलिए आने वाले चुनावों में भारत की जनता भाजपा को उसका जवाब देने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत बंद का ये रोष रैली आने वाले चुनावों का विगुल है और इसके माध्यम से भारत की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भाजपा द्वारा दिखाए गए सपनों की असलियत लोगों के सामने आ सके। वहीं जब कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा व्यावसायिक संस्थान खोलने की बात पूछी गई, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सभी ने आज अपने संस्थान बंद कर बंद को सफल बनाने का प्रयास किया है। मोदी के शासन में जो महंगाई के चरम सीमा पहुंची है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज चक्का जाम और बंद का आयोजन किया था। ये भारत बंद की कॉल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की निर्देशानुसार हो रही है। इसमें जिस तरीके से 4.5 साल में मोदी सरकार ने आम जन को धोखा दिया है, असली चेहरा जो है लोगों के सामने आ गया है और आने वाले समय में 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका पर्याप्त जो है जवाब जनता इस सरकार को देगी। सर, अगर बात की जाए कांग्रेस की, जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी है, उन्हीं की दुकानें खुली हुई है, बाजार की आप बात कर रहे हैं कि बाजार बंद है, कार्यकर्ताओं की उन्हीं पदाधिकारियों की दुकानें खुली है, भाजपा के लोगों की दुकानें खुली है, हमारे एक भी कांग्रेसी की जिसकी कोई भी दुकान जो है खुली नहीं है। आप अभी भी देखो, अगर जाएंगे तो आसपास जो है हमारी दुकानें जो कांग्रेसी भाइयों की है, भाजपा की दुकानें निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ देना ही था वो खुली है।